एक महिला जो है रेस्टोरेंट में काम करती है, और फिर रेस्टोरेंट में काम करते करते वहीं पर स्थगित हो जाती है अपने ऐसे दोनों दुधमुहे बच्चों को छोड़कर। ही आप देख पा रहे होंगे बहुत बच्चे खुल के नहीं बोल पा रही हैं, खुल के दब दब के बात बोल रही है। हाँ हाँ, ये एक एक बात अगर खुल के बोल दें तब इनके समझ में आ जाओ। मैं क्या बता दूं, बिल्कुल मुझे परी रही है का बिल्कुल। अरे ये जेठानी आए या सास आए, ये खुल खुल के बोला ही ना। छोटे छोटे बच्चे जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और इनके साथ किस तरह घटना हुई, छोटा बच्चा आप सुन पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे छोटा बच्चा रो रहा है अपनी माँ के लिए। पूजा जी, क्या हुआ है जो है आपके साथ, और पूरी घटना है कैसी? उस शुरू से काम करती रही, शुरू से ओके पहले चक्कर चलता है। अच्छा, जहाँ पे काम कर रही थी? दो बच्चे हो गए उसके, जब दो बच्चे हो गए तो उसको पता नहीं क्या उनके मन में सूझा, पता नहीं क्या उनके दिमाग में सूझा कि वो अपना ऐसा कदम उठा के दोनों बच्चों को यहाँ छोड़ के और अपना चली गई। नमस्कार, मैं हूँ आर के निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज 24। बता दें कि आज हम पुनः प्रयागराज के नैनी क्षेत्र अंतर्गत मौजूद हैं, और आज फिर से आप लोगों के समक्ष एक बड़ी ही मार्मिक कहानी लेकर आए हैं। मामला कुछ ऐसा है कि एक विवाहिता अपने दो छोटे छोटे अबोध बच्चों को छोड़कर कहीं और रहने लगती है, और अब वो बच्चे बिल्कुल अनाथ हो गए हैं। ऐसे में इन दोनों छोटों बच्चों की क्या हाल होगी, इनकी परवरिश कौन करेगा, और क्यों करते हैं लोग ऐसा? कभी कभी ऐसे मामले आते हैं कि जब लोग बाग अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, वहीं पर महिलाएं भी ऐसे में अपनी अग्रणी भूमिका निभाती हैं। महिलाएं भी ऐसा कृत्य करने से बाद नहीं आती। ऐसे दोनों जिस तरह से आप देखेंगे तस्वीरों में कि दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको छोड़ करके वो अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये अभी हम पूरी बातें आप लोगों के समक्ष रखते हैं, आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो हमारे साथ वो पीड़ित परिवार है, हमारे साथ वो पीड़ित परिवार है। अभी आप देख सकते हैं यही है दोनों छोटे बच्चे, और ये उनकी सासू जी हैं, उनकी सासू माता है। इनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल पूरा मामला है क्या। क्या नाम हुआ माता जी? हमारा राजकली। राजकली नाम। क्या हुआ है आपके साथ? हमारी बहू चली गई बच्चे को छोड़ के दो ठोकर। अच्छा। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं कि बच्चे को ले देने गए थे तो बच्चे को छोड़ दिए रोड पर। अच्छा। हाँ, तो कल की बात है? हाँ, कल की बात है ये। कल की बात? हाँ, कल की बात है। तो अभी आपकी बहू कहाँ है? हमारी बहू अभी काम पर जहाँ करती थी ना वहीं है। तो पूरा मामला क्या है, शुरू से बताइए ना, कहानी क्या है इसकी? शुरू से बताना मत दीजिए तुम। अरे शुरू से क्या बता सर जी, क्या बोल रहे थे कि इसका माँ बाप भगाया है, पहले से उसका बातचीत होता था, दो बार मोबाइल ले दिलाया है उसको। कौन दिलाया है? वो यहाँ काम करती थी। मतलब कि आपकी बहू कहीं काम करती थी और उसी घर में रहने लगी? हाँ, उसी घर में रहने लगी। तो क्या है वही, तो पूरा वाकया बताइए ना उसको विस्तार से। हाँ, नहीं रही है ना, उसी घर में रहती है। अरे तो आप माता जी शुरू से बताएंगे कब से वो काम कर रही थी, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो 3 साल से काम कर रही है। हाँ, 4-5 साल हो गया काम करते करते। फिर क्या हुआ? फिर उसके संगे रहने लगी है। जिसके यहाँ काम करी थी उसी को रह गई? रह गई। हाँ, फिर वो आ नहीं रही है, बच्चों को ले नहीं रही है। क्या बच्चों काम क्या करे, ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना काम करेंगे, बच्चों को संभालेंगे। लड़का आपका कहाँ है? लड़का हमारा बाहर चला गया है बंगाल तरफ मांगने खाने। तो ये आप सुन पा रहे हैं, यही है दो छोटे छोटे बच्चे जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और इनके साथ किस तरह घटना हुई, छोटा बच्चा आप सुन पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे छोटा बच्चा रो रहा है अपनी माँ के लिए, और वो ऐसी निर्दयी माँ है कि ऐसे दोनों छोटे बच्चों को छोड़कर वो फरारी काट रही हैं। और ये दोनों छोटे बच्चे जो है यहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। उसकी माँ भगाई, बाबा भगाया, उसके बाप जो बाप है, बाप किसको भगाए हैं? अपने लड़के को भगाया है। आपकी बहू को? हाँ, हमारी बहू को। कौन भगाया है? उसका बाप भगाया है। अच्छा। पिताजी। हाँ, तो अभी किसके साथ रह रही है आपकी बहू? अभी वहाँ जहाँ काम करती वहीं है। वहीं है? हाँ। तो आप वहाँ पे गई नहीं उनसे जो है पूछने कि क्यों भाई घर नहीं आ रही हो आप? बोल रहे कि हम नहीं जाएंगे घर, हम यहीं रहेंगे, हमको यहीं अच्छा लगता है। हाँ, तो इन बच्चों को लेकर नहीं गई, शायद इससे दिल पसीज जाए? बच्चे लोगों को नहीं ले रही है, हम लेकर गए थे कल। हाँ। तो भगा दी है। क्या कह रही थी? बोले हम सुने रखेंगे। बोल दे दादी हमारा बच्चा नहीं है। चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए शिक्षा का अभाव है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ज़्यादा अच्छे से बता भी नहीं पा रही हैं, और इनकी जो है एक बड़ी बहू है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं दरअसल पूरा मामला है क्या। क्या नाम हुआ बहन जी? पूजा। पूजा जी, क्या हुआ है जो है आपके साथ, और पूरी घटना है कैसी? उस शुरू से काम करती रही, शुरू से ओके
पहले चक्कर चलता। अच्छा, जहाँ पे काम कर रही थी उसी के साथ चक्कर? हाँ, मोबाइल भी दिए है और कहते हैं मोबाइल तोड़ डाला है, लड़ाई के झगड़े में और मोबाइल ले ली है। क्या हुआ? और फिर बाद में वही के लगे चली गई बच्चन छोड़ के, बच्चन का केस भी कर दी है, कहते हम बच्चे का नहीं लेंगे। अच्छा, हाँ। लगभग कितने साल से वहाँ पर काम कर रही थी? 3 साल से काम कर रही वहाँ पर, वहीं पे काम कर। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर कहते हम रहे ना कर वहाँ पर, तो जहाँ काम कर रही थी वहीं रह गई। हाँ। और देवर आपका कहाँ है? देवर हमारा बाहर गया है मांगने खाने। आपके कितने बच्चे हैं? हमारा नहीं है। आपके बच्चे नहीं? तो ये है कहानी, आप देख पा रहे होंगे। और इन लोगों के बताने के मुताबिक मामला ऐसा है कि वो महिला किसी व्यक्ति के यहाँ काम करती थी, और ऐसा बताया जा रहा है इन लोगों का कि उसके साथ उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते वह वहीं पर रह गई। और आज ये दो छोटे छोटे बच्चे जो उसी महिला के हैं, ये अनाथ हो चुके हैं और दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। आप देख पा रहे होंगे दोनों अबोध बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और ये उनकी सासू जी हैं, ये उनकी जेठानी है, यही दोनों लोग परवरिश कर रहे हैं। क्यों करते हैं ऐसा लोग? और आप लोग देख पा रहे होंगे कि आए दिन ऐसे मामले आते हैं जब कहीं पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरा विवाह कर लेते हैं, या अपनी पत्नी के रहते दूसरा विवाह कर लेते हैं, वहीं पर महिलाएं भी इस काम में अपनी अग्रणी भूमिका निभाती हैं। आए दिन ऐसे मामले आते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे ये दो मासूम हैं और ये किस तरह से रो बिलख रहे हैं। तो आइए कुछ और लोग यहीं के स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल पूरा मामला है क्या, और इनसे जानते हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं शायद उनको भी जानकारी हो इस मामले के बारे में। क्या नाम हो दादा? हाँ, मेरा नाम घनश्याम गिरी। जी घनश्याम गिरी जी, क्या है दादा पूरा मामला, कुछ जानकारी? पूरा मामला ये भैया, जबरदस्ती मगर मस्ती रहती है, वो जबरदस्ती भाग गई। अच्छा अच्छा। हाँ, बच्चों को छोड़कर, ये सब पढ़े लिखे नहीं है, इनके पास कोई ऐसी तमीज नहीं है कि ढंग से देख सुन रहे हो कि बात कर सकेंगे। हाँ, वो जो जहाँ बताइए दादा, थोड़ा विस्तार से बताइए कि पूरा मामला है क्या। मैं विस्तार से ही बता रहा हूँ, आप इन उसको ले जाइए, अपने उसके सास को ले जाइए, वो जहाँ रह रही है। हाँ, आप भी वहाँ देख लीजिए, वहाँ के पता कर लीजिए। और ये कहीं ना कि कल मैं बच्चों को छोड़ने गई थी तो बच्चों को छोड़ दिया, कहती है मैं नहीं रखूँगी बच्चों को, ले जाओ अपना। तो क्या लगता है दादाजी, ऐसा होना चाहिए? भैया जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब एक घर में ये हालम होगा तो क्या बताइए, पूरा गाँव खराब होगा, तो इसका समाज में भी बुरा असर पड़ेगा। बहुत बुरा असर पड़ता है। और फिर जिस तरह से दो छोटे छोटे मासूमों को छोड़ कर गई है। हाँ, ये तो बिल्कुल सामने ही दिखाई दे रहा है। आप पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी हैं, बगल में रहते हैं। तो क्या जैसा ये लोग बता रहे हैं कि उनका पहले से ही मामला चल रहा था वहाँ पर, कुछ ये खुल के नहीं बोल पा रही हैं, खुल के दब दब के बात बोल रही हैं ये। हाँ, हाँ। ये एक एक बात अगर खुल के बोल दें। हाँ। तब इनके समझ में आ जाए। मैं क्या बता दूं? बिल्कुल मुझे लगे परी रही है का। बिल्कुल। अरे ये जेठानी आए या सास आए। हाँ। ये खुल खुल के बोला ही ना। हाँ, हाँ। ये कैसे 3 साल से काम करती थी, कैसे इसके चलता था, ये जानेंगी ना। और काम करने ये जाती, मैं तो जाता नहीं हूँ। बिल्कुल। काम करने मैं तो नहीं जा रहा हूँ, काम करने तो मैं नहीं जाता। हाँ, ये जाती हैं काम करने। हाँ, तो ये है पूरा मामला। बता दे कि ये लोग बताने से या तो डर रही हैं या तो कतरा रही हैं, हमें बुलाया भी तब खुल के बात नहीं कर पा रही, खुल के बात भी नहीं कर पा रही हैं कि दरअसल पूरा वाकया है क्या। और पता नहीं किस बात को लेकर इनको जो है संशय है या फिर डर है, ये बता नहीं पा रही हैं। और ये दादाजी जिनको आप सुन पा रहे थे, ये पड़ोसी हैं, इनको जितने भी जानकारी थी इन्होंने बताया। और हालांकि अब ये पूरी जानकारी कैसे बता भी सकते हैं, क्योंकि अब इनको जितना जो है पता था उतना इन्होंने बताया। दादी जी बताएं क्या था पूरा मामला, खुल के बताएं, क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई डर है क्या? सर पहले वो पुलिस बुलाई थी, पुलिस गाड़ी आई थी यहाँ। कौन बुलाया था? वो हमारी बहू बुलाई थी। काहे के लिए बुलाई? बोल रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। कहाँ? घर यहाँ आने को नहीं, पति के लगे। अच्छा। हाँ, तो बोले हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम वहीं, हमको अच्छा लगता, हम वहीं रहेंगे। अच्छा, ये बात? हाँ हाँ, ये बात बहुत दिन का हो गया, 15-20 दिन हो गया। अच्छा। हाँ, तो पुलिस छोड़ के कह रही है। पुलिस कौन बुलाया था? वही बुलाया था, जहाँ जिसके घर में रहती काम करती है। हाँ। वही बुलाया था। हाँ। तो पुलिस क्या कह के गई? पुलिस कह गई कि भैया अपना सोचा था कि तुमको रहना है तो रहो, जाके जब नहीं रहना है तो अपना छुट्टी छुट्टी करवा लीजिए, कोर्ट मर्ज करवा दें। तो आप लोगों को जानकारी थी कि इनका मामला काफ़ी दिन से चल रहा था? अरे भाई जानकारी थी हमको,
मगर वो खुल के बताती थी नहीं कि हम काम करने जाते थे, कभी 10 बजे रात के आती थी, कभी 11 बजे रात के आती थी, कभी रात भर आती थी। हाँ, क्या क्या कह रही हैं? 11 बजे आधी आधी रात आती रही काम करके। जब काम करने जाती थी तो आधी आधी रात के आती रही, रात में आती रही, काम में 6 बजे जाती थी, रात में आती थी। तो पहले से आप लोगों ने दबाव नहीं बनाया? हमारे दबाव में नहीं रही है, वो उसके बाप को दबाव में रही है। ये जो है जी, ये बताए, ये देखिए, ये माता जी है, इनकी पड़ोसी है, ये बताएंगी क्या वो? ये उस तरफ रहती है, इनके बहू यहाँ रहती है किराए के मकान में, इनसे उनसे कोई लगाव है नहीं, खाने में पीने में, केवल दुख में ही आती है, सुख में तो नहीं मतलब ही रखती है ना। वो अच्छा ढंग से पहनती ओढ़ती है, लाली लिपस्टिक लगा के, यहाँ से तो सर पे पल्ला रख ली, आगे चल के पल्ला हट गया। ये नहीं देख रही हमारी बहू क्या कर रही है, जब इनको कान में कुछ सुनी गई तो ये रोक लगाई ये औरत है। अच्छा, तो उसकी माँ लड़की के इनके ऊपर धावा बोली कि तुम देखी हो? अच्छा, तुम देखी हो, चलो बताओ। हाँ, तो ये केवल अकेले पड़ती, इनके लड़के नहीं साथ देते इनके। हाँ, तो ये दब गई। हाँ, जब दब गई तो वो आजाद हो गई। हाँ, वो आजाद हो गई तो जब आजाद हो गई तो बच्चे भी वो मुँह नहीं देखी। 1 बजे रात 2 बजे रात तक वो गायब रहती थी। जब रात में, जब शाम को आ गई तो 12 बजे उसको एकदम धीमे दरवाजा खोलना, हम लोग अपने आँख से देखे है। हाँ, हमारा घर उनका दरवाजा एक है ना। हाँ, हाँ, हम लोग 1 बजे तक जागते हैं। अच्छा, अच्छा। हम ये हम नहीं बोल सकते आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं। हाँ, हम तो नहीं पूछ सकते ना। हाँ, हाँ, जब इनके तक सूचना हम लोग देते थे तो ये कह रहे थे हम क्या करें, जब हमारा लड़का हमारे बस में, तो बहू को कैसे बस में कर सके, इतनी बात ये बोलती थी। तो ये लोग जब दबाव में नहीं रखते तो हम लोग कैसे दबाव में रखे? ये पंचायत उंचायत उस मोहल्ले में हो चुकी है, मारगाड़ी सब हो चुकी है। अच्छा, अच्छा। एक रोज वहाँ वो बैठी थी, दूसरा रोज यहाँ बैठी थी, तीसरे रोज गायब हो गई। अच्छा। जो रोज उसके वाले सामान लेकर गए हैं वही रोज वो गायब हुई, बोला यही फोन करके। अब फोन करके बोला तो गायब हो गई, तब से वो नहीं आई। बताइए, छोटे छोटे एक महीने के बाद, 1 महीना पूरा हो गया, अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, 1 महीने से नहीं। हाँ, 1 महीने से नहीं। वही है, कल ये लेकर गई थी जहाँ काम करती, इसको छोड़ने कोशिश करी, छोड़ तो दी, ये सोची हम चल गए, तो इसको कोरा में लेकर इस सरगम के पीछे छोड़ के दौड़तिया में भाग गई। पुलिस लेके आ रही, पुलिस साथ में कह रहा आ रही थी। और सबूत अच्छी बात है, सबूत मांग रही है। अच्छा, वो महिला सबूत मांग रही कि हमारे, हाँ, बच्चे, हमारे बच्चे नहीं है, तो आप क्यों नहीं बता रही है सारी बातें? बता रही, हम लोग से बता सकती है, आप लोग से नहीं बता सकती है? हम तो जानते नहीं रहे कि कहाँ करती, कहाँ नहीं करती, तब तो वहाँ रहते थे ना बाहर। तो अभी जब कल छोड़ के आई हैं तो कल का क्या क्या मामला है बताइए? कल हम इसको लेके गए थे, लेके गए थे कि इसका माँ है अपना ले लेगी, हम इसको दे दिए थे, हम इसको दे करके हम चले आते थे, आगे आगे हम रहे, पीछे पीछे इसकी माँ रही है। अब पता नहीं कितनी टाइम छोड़ करके वो रोड पर भागी है, भागी नहीं, पुलिस ले गई। जिसके यहाँ रह रही है उनका क्या नाम है? जिसके यहाँ रह रही है उनका क्या नाम है? क्या नाम है उनका जिनके यहाँ रह रही है? जिनके यहाँ रह रही है उसका पप्पू नाम है, पप्पू। तो अच्छा, जैसे ही बुला के जाएंगे तो साथ में जा सकती है? हाँ हाँ, बिल्कुल जा सकता है, पप्पू नाम है उसका। हाँ हाँ, वो स्टूडेंट वाला काम करता है, स्टूडेंट है। कहे का स्टूडेंट है? अरे स्टूडेंट बोला था उनका, चौमिन उमिन बनाता है, फास्ट फूड का। हाँ हाँ, चौमिन उमिन बनाता है वो। हाँ, कैमरा वैमरा सब लगा है। अच्छा, तो वही रहती है, रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। हाँ, रेस्टोरेंट, तो वहीं वो रेस्टोरेंट में रह गई। हाँ, वहीं काम करती है, वहीं काम करती है, वहीं बर्तन मारती, झाड़ पोछा लगाती है। तो ये सुना आपने, एक महिला जो है रेस्टोरेंट में काम करती है और फिर रेस्टोरेंट में काम करते करते वहीं पर स्थगित हो जाती है, अपने ऐसे दोनों दुधमुहे बच्चों को छोड़कर। ही आप देख पा रहे होंगे, बहुत बच्चे हैं, इनका क्या कसूर है? इनको क्यों आपने दुनिया दिखाई? जब आपको नहीं रहना था तो इनको क्यों दुनिया दिखाई? ये आप देख पा रहे हैं, ऐसा मामला है। और अभी इन बच्चों की उम्र क्या है, ये आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि क्या है पूरा मामला? ये आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, ये एक बच्ची है और ये लड़का है ना? हाँ, तो अभी आपने इसकी प्राथमिकी थाने में नहीं दी? थाने में सब हो गया। हाँ, क्या हुआ माता? थाने में भी ये लोग को बैठाया गया था, फिर वो पुलिस वाला छोड़ दिया। आपको उल्टा बैठा लिया गया? हमको नहीं बैठाया था, इनके बच्चों को, बच्चों की माँ को, हमारे लड़का को बैठाया था, दोनों का छोड़ दिया पुलिस वाला। अच्छा, बोला जाओ आपस का बात है, सब लोग जा करके लाल कर देना चाहिए मार के। फिर से आपने जानकारी नहीं दी पुलिस वालों को? पुलिस भाई 2 बार आ चुकी है, तो बोला कि जाओ अपने समझ लीजिए जा करके, हम क्या करें? तो अभी क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी बहू बच्चे को ले लें और आए ना यहाँ पे, आ जाए आज अपने बहू बच्चे का लेकर के जहाँ जहाँ रहेगा। अगर आपकी बहू, मान लीजिए चलिए ठीक है, कल का भूला अगर वापस घर आ जाए तो उसको भटका नहीं कहते, भटका नहीं कहते। अगर वो वापस आ जाए तो आप रख पाएंगे उसको? हाँ, रख पाएंगे, रख लेंगे।
आके अपने बच्चों को लेकर रहे, है ना। शासन प्रशासन से क्या गुजारिश होगी आपकी? शासन से बोल रहे कि हम यही बात की अपने बच्चों का आकर लेकर आए। जी अपने बच्चों को देखे, अपने हस्बैंड को देखे, अपना घर परिवार अलग से बसा है, हमसे न रखे मतलब। तो अभी इन बच्चों को कौन परवरिश कर रहा है इनकी? अभी तो हर फैमिली ये है, ये देखिए एक माँ ये है, इनकी दरिया दिली देखिए, इनके बच्चे नहीं हैं। इनको इस चीज़ की ललक है कि हमारे बच्चे नहीं, हमारे बच्चे हों। तो ये बेचारी जो है अभी इनकी जो है परवरिश कर रही हैं और इनकी देखभाल, इनका संरक्षण जो है यही कर रही है। ये उनकी जेठानी है, इनके बच्चे नहीं हैं। और वहीं पर हम महिलाएं ऐसे से छोटे छोटे बच्चों को अनाथ बना के निकल जाती हैं। तो बता दें इसी मामले के सिलसिले में हमारे साथ एक भाई साहब है जो यहीं के रहने वाले हैं और उनके पड़ोसी इनसे जानते हैं कि दरअसल पूरा वाकया है क्या। क्या नाम हो भैया? हमारा नाम कमलेश कुमार गोस्वामी हुआ। क्या है ये पूरा मामला जो आप? पूरा मामला क्या है, हम काम करते हैं, हम अपना काम में बिजी रहते हैं और जब काम से खाली होते हैं तो फिर हमको थोड़ा सा चर्चाएँ मिलती हैं कि भाई अगला के घर से ऐसा लफड़ा हो गया है, तो पता लगा कि भाई यहाँ पे काफ़ी दिन से रहती थी एक लड़की, रहती थी यहीं पे, विवाह हुआ उनका, शादी ब्याह हो गया, मतलब बैंड बाजे के साथ में नहीं हुआ, ऐसे ही हो गया, मतलब मोहल्ले वाले करवा दिए उनका शादी ब्याह करवा दिए। और उनकी माताजी भी, उनके पिताजी भी, लड़की के जो माता पिता हैं वो भी सही नहीं थे, नेचर भी उनका नहीं ठीक था। तो माता पिता के न देखते हुए मोहल्ले वाले कहे कि भाई चलो ठीक है, लड़के के पास भी कुछ नहीं है, लाओ इसको शादी ब्याह कर दिया जाए, अपना ये अपना घर गृहस्थी में जुड़ जाएंगी तो अपना घर बार देखेंगी, अपना समझेंगी बूझेंगी, अपनी लाइन में लगी रहेंगी। लेकिन दो बच्चे हो गए उसके, जब दो बच्चे हो गए तो उसको पता नहीं क्या उनके मन में सूझा, पता नहीं क्या उनके दिमाग में सूझा कि वो अपना ऐसा कदम उठा के दोनों बच्चों को यहाँ छोड़ के और अपना चली गई। और जब चली गई तो आप उनसे पूछा जा रहा है कि भैया आप अपने बच्चों को ले जाइए, तो अपने बच्चों को ले जाने के लिए तैयार नहीं है, अब कहीं नहीं है ये, और यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, लोग किराएदार हैं, यहाँ पे किराएदार हैं, और इनके माता भी करती थी यही चीज़, इनकी बहन भी यही चीज़ करती हैं, और ये भी आज वो सर स्वयं वो भी कर दी। तो क्या कहना चाहिए, जिस तरह से आए दिन इस तरह की घटनाएं तमाम देखने को मिलती है तो इस पर अंकुश लगना चाहिए? बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए, अंकुश भाई मोहल्ला टोला पड़ोसी वाला नहीं लगा तो प्रशासन लगाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका कहीं ना कहीं असर पूरे समाज पर पड़ता है या पड़ता है, जिसके ऊपर पड़ता है वो समझे। अब सब तो नहीं समझने जाएंगे, सब तो नहीं कहने जाएंगे, सब तो उसके तरह नहीं है कि सब चलें पूरा समाज की तरह। अब जो समझदार है वो अपना काम कर रहा है, अब हमको बुलवा रहे तो बोल रहे हैं, नहीं तो हम भी नहीं चाहते थे ये शब्द बोलें। बिल्कुल बिल्कुल, तो शासन प्रशासन के का जो रोल है ऐसी महिलाओं के प्रति कैसा होना चाहिए? अब शासन प्रशासन का मतलब ये होना चाहिए कि भाई अब आए हैं टोला पड़ोसी से पूछ के, जो भी वो औरत जैसा काम की है, चरित्रहीन काम की है, गलत की है, तो उसको सही बताया जाए कि भैया आप रहना यहाँ चाहती हैं तो इस पर बता दीजिए, नहीं रहना चाहती है तो वो भी इस पर बता दीजिए और बता के और चली जाइए, ठीक, ताकि इसके आदमी दूसरा भी नहीं पूछ रहे। उसका माँ बाप भगाया, सारी कमाई खाती थी, उसका बाप कमाई खाता था उसका, हाँ सारी कमाई उसी का खाती थी। तो ये आप सुन रहे हैं, बता दें कि आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, उसी में से एक आज ऐसा मामला मिला जिसमें कि एक महिला अपने दो अबोध बच्चों को छोड़कर कहीं और चली जाती है और ऐसे में दोनों बच्चे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, तो आपने देखा कि इस तरह की तमाम घटनाएं जो हैं हमारे सामने आती रहती हैं जो समाज को शर्मसार करती हैं, देखने वालों को और सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्यों करते हैं लोग ऐसा। तो आशा करता हूँ ये खबर आप लोगों को पसंद आई होगी, इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रही हमारे साथ। अपने सहयोगी सुनील यादव के साथ मैं अरकिन निषाद, हर खबर आप तक।